हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, शिशु का डाइट प्लान। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ शिशु के डाइट प्लान के बारे में। सबसे पहला तरीका, 0 से 3 महीने के शिशु के लिए आहार नवजात बच्चे के लिए सबसे अच्छा खाना माँ का दूध होता है। माँ का दूध शुद्ध, मिलावट रहित और सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सही मात्रा में सेवन करवाने से बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन मिला होता है, बच्चे को बाहरी संक्रमण से बचाकर रखता है। माँ का दूध बच्चे के शरीर में बीमारियों और एलर्जियों को दूर भगा देता है। दूसरा तरीका, शुरुआत के 3 महीने में माँ का भोजन भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, इसलिए डिलीवरी के बाद महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। अगर माँ को स्तनों में दूध सही तरीके से नहीं बनता है या कोई समस्या है तो वह बॉडी में आयरन की कमी को दर्शाता है। 3 महीने तक बच्चे को आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 3 महीने के बाद आयरन से भरपूर अन्य भोजन भी देना शुरू किया जा सकता है। तीसरा तरीका, 3 से 6 महीने के शिशु का आहार बच्चे की इस उम्र से उसके शरीर को पोषक तत्वों की भरपूर आवश्यकता पड़ती है। इस दौर में शिशु का आहार माँ के दूध पर ही निर्भर ना रहकर बल्कि कुछ ठोस आहार में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे पका हुआ भोजन। इसकी शुरुआत बच्चे को सेरेलेस देकर करनी चाहिए, जिसे अच्छी तरह से मैश करके बच्चे को थोड़े थोड़े अंतराल पर देना चाहिए। इससे बच्चे को शरीर के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे। जब बच्चा इसे अच्छी तरह से पचाने लग जाए तो उसे खिचड़ी खिलाना चाहिए, जिसे चावल और मूंग की दाल से बनाया जाना चाहिए। बच्चे को इस उम्र में सूप और हल्की सब्जियां और फल भी सप्लीमेंटेशन फूड के तौर पर दिन में 1-2 बार देना चाहिए। फ्रूट और सब्जियों से बच्चे के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाने के कारण हुई आयरन की कमी को दूर करता है। चौथा तरीका, 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए फूड। 6 महीने के बाद बच्चे ठोस आहार लेना पसंद करते हैं। बच्चों को इस समय तक फल सब्जियां देना शुरू कर देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे बहुत नटखट होते हैं, वो खुद से भोजन को लेकर खाने लग जाते हैं। उनकी इस आदत को अपने ध्यान में रखकर प्रोत्साहित करना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। इस समय उनके दांतों में इरिटेशन होती है और वो इरिटेशन को शांत करने के लिए किसी भी चीज को मुंह में डाल लेते हैं और उसे मुंह में ही बनाए रखते हैं। इससे उन्हें दस्त होने की संभावना होती है। इस आदत को कम करने के लिए बच्चों को एक बिस्किट या टोस्ट दे दें, जिसे वो चूसता रहे और चबा ना पाए। बच्चे को उबला आलू फोड़कर सादा देना चाहिए। अगर चाहे तो उसमें हल्का नमक और नींबू के 1 बूंद रस निचोड़ दें। इसके अलावा कई अन्य सब्जियां जैसे गाजर, गोभी, कद्दू और पालक को भी अच्छे से उबालकर पीसकर नमक के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। बच्चे को मिल्क में इडली, ढोकला, चपाती आदि भी पीसकर दे सकते हैं। इस उम्र में बच्चे को अंडा भी देना शुरू किया जा सकता है। सप्ताह में 3 से 4 अंडे खिलाना स्वास्थ्यप्रद होता है। पांचवा तरीका, 9 से 10 महीने के बच्चे के लिए फ्रूट। जब बच्चा 9 से 10 महीने का हो जाए तो उसे आप फिश, चिकन, कलेजा और मीट भी खिला सकते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह पकाकर और सॉफ्ट ही करके दें। हड्डी वाला हिस्सा बच्चे को भूल से भी ना दें। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका वजन जन्म के समय से 3 गुना हो जाता है। बढ़ते बच्चों को समय समय पर मिल्क, बिस्किट और फ्रूट जूस आदि देना चाहिए। एक मिश्रित संतुलित भोजन बच्चे के शरीर में होने वाली कमियों को दूर भगाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।